हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपना मेडिकल टिप्स के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रेक हिल क्रीम के बारे में कि क्रेक हिल क्रीम कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसके फायदे हैं, कब यूज करना चाहिए, कब यूज नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको स्वास्थ्य से संबंधित या दवाइयों से संबंधित जानकारी लेनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, ये क्रेक हील क्रीम मार्केट में बहुत फेमस है। और फेमस कब होती है तो ये ठंड के मौसम में फेमस होती है, क्योंकि ठंड के मौसम में ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं फटी हुई एड़ियों में, और ठंड के मौसम में एड़ी फटने लगती है, पैर में रुखापन आ जाता है, और फटने की वजह से उसमें ब्लड आने लगता है, दर्द करने लगता है और पैर पूरा रुखापन महसूस होता है। तो इसीलिए इस क्रीम को लोग लगाते हैं, और लगाने से आपके जो परेशानी है फटी हुई एड़ियों से जो ब्लड आते हैं, दर्द होते हैं, वो सब बंद हो जाता है और ठीक हो जाता है, चिकना हो जाता है और आपके पैर को मॉइस्चराइज कर देता है। ये क्रीम फटी हुई एड़ियों में बहुत बेस्ट काम करता है, आपके पैरों की एड़ियां फटने से रोक देती है और रुखापन को ठीक कर देता है, चिकना बना देता है, गोरा बना देता है और देखने में सुंदर भी लगता है। तो दोस्तों, फटी हुई एड़ियों के कारण कितने लोग अपने एड़ियों को छुपा कर रखते हैं, तो छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस क्रीम को लगाने से आपकी फटी हुई एड़ियां भर जाएगी और चिकना हो जाएगा, आपका पैर देखने में सुंदर लगेगा। तो दोस्तों, यही कहूँगा कि क्रेक हिल क्रीम को ठंड के मौसम में या फटी हुई एड़ियों में यूज करते रहें और अपने पूरे परिवार में यूज कराते रहें, जिन जिन परिवार को आपकी एड़ियां फटती है। दोस्तों, क्रेक हिल क्रीम को शुद्ध आयुर्वेद से बनाया गया है और ये आयुर्वेद नो साइड इफेक्ट, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बहुत अच्छा काम करता है। हम आपसे यही कहेंगे, जिसको हील में डैमेज है यानी एड़ी में, पैरों में जो फटी हुई है, दरार है, जिसको भी प्रॉब्लम हो, इस क्रीम को एक बार यूज करें और आपकी जो परेशानी हो ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर में बताना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।